हापुड़ नगर की, उत्तर प्रदेश की यह पवित्र पावन भूमि, जहां आप और हम सब बैठकर भगवान देवदत्त महादेव का इस पवित्र अश्विन नवरात्रे के अंतर्गत भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा जब आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए बैठे, नवरात्रि की यह पवित्र अवसर है और नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर पवित्र पावन हापुड़ उत्तर प्रदेश की यह पवित्र भूमि है। शिव और शक्ति, शक्ति के इस पवित्र नवरात्रे में भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर लेना, भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले लेना, भगवान शंकर की कथा का स्मरण कर लेना और उस पवित्र कथा को अपने भीतर उतार लेना, उस पवित्र कथा को अपने भीतर संजो लें। अभी तक आपने जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया, जो भगवान शंकर की पवित्र कथा को सुना, वो कथा शिव भगवान ओगड़दानी, भगवान शंकर, भगवान त्रिकालदर्शी, भगवान कैलाशी, भगवान अविनाशी की है। पर अब जो कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं नवरात्रि के पावन अवसर पर, नवरात्रि के समय पर, नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर, वो शक्ति के समय पर शिव की कथा है। शक्ति के समय पर शिव की कथा है। जैसे गंगा सागर में जाकर मिल जाती है, जैसे गंगा कलकल कर कर बहती है और बहते 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 एक दिन सागर में जाकर समाहित हो जाती है, सागर में जाकर मिल जाती है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे गंगा कलकल कर कर बहती 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 सागर की ओर जाती है और सागर में समाहित हो जाती है, उसी तरह आत्मा भी दिन रात भगवान शिव का भजन करते करते, भगवान शंकर की भक्ति करते करते, भगवान शंकर का स्मरण करते करते, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते करते ये आत्मा भी एक दिन परमात्मा में समाहित हो जाती है।
गंगा जी का कलकल कर कर बहना, बहते हुए जाना और आखिरी में सागर में समाहित हो जाना। सागर में जाकर मिल जाना, गंगा जी का कलकल कर कर बहते 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 जाना और सागर में समाहित हो जाना। उसी तरह आत्मा का भगवान शिव की ओर बढ़ना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करना, शिव भक्ति की ओर बढ़ते चले जाना, शंकर जी की अविरल भक्ति को धारण करते चले जाना और शिव भक्ति को धारण करते 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 आखिरी में परमात्मा में लीन हो जाना। ये दोनों एक बिंदु है। आत्मा से परमात्मा का मिलना, सागर में जाकर गंगा का मिलना। और आप सब आज कथा के प्रथम दिवस में 5 दिवसीय शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में आप सब सम्मिलित हुए हैं। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बाबा से विनती करो, निवेदन करो कि ये पवित्र नवरात्रे में, नवरात्रे के पावन अवसर पर हमारे हापुड़ क्षेत्र में, हमारे उत्तर प्रदेश में ये पवित्र कथा हो रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव से विनय करो, मां आदिशक्ति से प्रार्थना करो कि हे दुर्गा भवानी, हे मां आदिशक्ति, हे भवानी मां, आपके इस पवित्र नवरात्रे में हम आपकी ये पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। ऐसी कृपा करो मां, ऐसी कृपा करो देवाधिदेव महादेव कि हम जो कामना लेकर नवरात्रे के ये 5 दिनों में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, ऐसी कृपा करना भोले बाबा कि हमारी झोली खुशियों से भर जाए और तेरी कृपा हम पर। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। ये उसकी उदारता है, ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। इन 5 दिनों में, नवरात्रि के ये 9 दिन में से अगर 5 दिन आपको और हमको भगवान शंकर की अविरल कथा को श्रवण करने के मिले, 9 दिन में से अगर ये 5 दिन हमें भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा श्रवण करने को मिले हैं, तो बाबा देवाधिदेव महादेव को धन्यवाद देना कि हे भोले, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी अविनाशी, ये तेरी कृपा है जो 9 दिन में से कम ये 5 दिन आपने हमको दिए और हमारे उत्तर प्रदेश में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा हो, उसको धन्यवाद दो, उसको साधुवाद दो, उससे विनय करो, उससे निवेदन करो कि ये तेरी कृपा से मिले, ये तेरी करुणा से मिले। श्री हनुमान शिव महापुराण की कथा हापुड़ की इस पवित्र धरा पर मिली है। सबसे पहले तो आप स्मरण करें
कि भारत की भूमि पर जितने राम जी के मंदिर नहीं है उससे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर है। आप छोटे छोटे गलियों में जाएंगे, छोटी छोटी जगहों में जाएंगे, छोटे छोटे खेड़े में जाएंगे, छोटे छोटे गांव में जाएंगे, छोटे छोटी कॉलोनियों में, सोसाइटियों में, नगर में, मोहल्ले में जाएंगे तो आप पाएंगे कि भले इतने सारे राम जी के मंदिर नहीं होंगे पर प्रत्येक गली में, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कॉलोनी में, प्रत्येक सोसाइटी में, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर आप श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर को पाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर को प्राप्त करेंगे। कारण केवल उसका एक कारण है, केवल उसका एक कारण, और वो कारण है हनुमान जी महाराज की सेवा। हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी की सेवा इतनी करी, हनुमान जी ने राम जी महाराज की सेवा इतनी करी कि भारत की भूमि पर जितने राम के मंदिर नहीं उतने हनुमान के हो गए, क्योंकि भारत की भूमि सेवा की भूमि है। भारत की भूमि सेवा की भूमि। भारत की इस पवित्र धरा पर, भारत की इस पवित्र भूमि पर जितनी सेवा करी जाए, आप जितनी सेवा में तल्लीन रहेंगे, आप जितनी सेवा में प्रबल रहेंगे, संसार में हनुमान जी की तरह आप भी पूछे जाएंगे, संसार में हनुमान जी की तरह आप भी पूजे जाएंगे। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। अगर भरोसा है, विश्वास है, दृढ़ता है तो शिव को मिलने में देरी नहीं। शंकर मिलेगा जरूर, शिव जरूर प्राप्त होते। जैसे कथा के प्रथम दिवस में अपन लोग कथा श्रवण करते हैं देवराज नाम के ब्राह्मण की, कि देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। अच्छे कुल में जन्म ले लेना, अच्छे कुल में जन्म लेना, और अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर हम भगवान की भक्ति ना कर पाए, पूरा शरीर प्राप्त कर लिया हमने, हमारे दो पांव भी हैं, हाथ भी हैं, जिभ्या भी है, नासिका के दो छिद्र भी हैं, श्रवण शक्ति भी है, नेत्र भी है, सब कुछ है, हमने संपूर्ण शरीर प्राप्त कर लिया, और शरीर प्राप्त करने के बाद भी अगर हम भगवत भजन नहीं कर पाए, संपूर्ण शरीर प्राप्त करने के बाद हम भगवत स्मरण ना कर पाए, तो फिर हमारा जन्म लेना व्यर्थ व्यर्थ। अगर इस मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, मनुष्य का देह मिला है, मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, तो प्रयास करो। बाबा देवादिदेव महादेव ने आपके और हमारे शरीर को देने में कोई कमी नहीं रखी। भगवान शिव ने आपके और हमारे शरीर को देने में कोई कमी ना रखी। चरण भी दिए, हाथ भी दिए, नेत्र भी दिए, जिभ्या भी दी, श्रवण शक्ति भी दी, सब कुछ मेरे बाबा ने दिया, सब कुछ। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने
बहुत दे दिया है तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर इमदाद दी है, मुसीबत में हर इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से जो मानव का शरीर मिला, उनकी उदारता से ये शरीर हमें प्राप्त हुआ, उनकी उदारता से ये पूरा इंद्रियां, संपूर्ण शरीर हमें प्राप्त हुआ है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान का कैसे भजन करें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम शिव की भक्ति कैसे करें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान का स्मरण कैसे करें। कितने लोग हैं जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हो, हाथ उठाओ जरा, सभी जाते हो, जाना चाहिए, रख लो आप, बहुत बहुत साधुवाद, आप जाना चाहिए। सारी समस्या का हल बोलबम का नारा है। आज आप और हम अगर भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणारविंद तक जा रहे हैं, आज आप और हम अगर भगवान शंकर की शरणागति तक जा रहे हैं, भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जा रहे हैं, तो ये निश्चित माने, ये मानकर चलिए कि बाबा अगर आपको अपने दरवाजे तक बुला रहे हैं, शंकर भगवान आपसे अगर एक लोटा जल चढ़वा रहे हैं, भगवान शिव यदि आपके एक लोटा जल को ले रहे हैं, अगर हम भगवान शिव के चौखट तक जा रहे हैं, तो शिव हमें अवश्य प्राप्त होते हैं। हमारे बीच में ज्ञानपीठाधीश्वर स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज श्री कृष्ण आश्रम ब्रजधार से, स्वामी श्री यशवर्धन आचार्य जी महाराज श्री बालाजी धाम अछेजा हापुड़ से पधारे हैं, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा कर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। यदि शिव शंकर करते क्या,
भगवान देवदत्त ने महादेव का कार्य किया। राम जी का कार्य क्या है, भगवान कृष्ण का कार्य क्या है, भगवान शिव का कार्य क्या है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे राम जी का कार्य है जो राम नाम जपता रहे, राम राम का स्मरण करता रहे, उसको शिव तक पहुंचाना। मेरे भगवान कृष्ण का कार्य है जो कृष्ण कृष्ण भजता रहे, भगवान कृष्ण की भक्ति में रमा रहे, उसको शिव तक पहुंचाना। थोड़ा प्रेशर खुलवा लो साउंड का। शिव भक्ति तक पहुंचाना। राम जी का कार्य है भगवान शंकर तक अपने भक्त को भेजना। ये स्पीकर चल रहा है। भगवान कृष्ण का कार्य है अपने भक्त को शिव तक भेजना। और भगवान देवदत्त महादेव का कार्य है अपने भक्त को राम और कृष्ण तक भेजना, भगवान राम और कृष्ण की शरणागति तक। एक कथा बड़ी सुंदर आती है शिव महापुराण में। श्री हनुमान शिव महापुराण की कथा को आप और हम श्रवण कर रहे हैं। एक वर्ष श्री देवऋषि नारद भ्रमण करते करते पांडवों के पास पहुंच गए, पांडवों के करीब में गए। और देवऋषि नारद जब पांडवों के करीब में गए, पांडवों के नजदीक में जब पहुंचे, युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे हुए थे। जैसे ही युधिष्ठिर ने देवऋषि नारद जी को देखा, युधिष्ठिर अपने सिंहासन से खड़े हुए। खड़े होकर देवऋषि नारद जी को प्रणाम किया। देवऋषि नारद जी से कहा, कि आपका आगमन कैसे हुआ, आप किस लिए आए, आपके आने का कारण क्या। जैसे आप लोग कथा में बैठे हुए हो, शिव महापुराण की कथा आप श्रवण कर रहे हो, नवरात्रि का समय है, 5 दिन आपको मिले हैं, उसमें कथा का पहला दिन है। आपसे अगर आप यहाँ बैठे हो और कोई आपसे पूछे कि आपका क्यों आना हुआ, किस लिए आया, कैसे आगमन हुआ, कैसे आना हुआ, क्यों आए, तो आप बड़े प्रसन्न होकर भगवान देवदत्त महादेव का नाम लेकर कहोगे कि भाई हमारे हापुड़ क्षेत्र में, हमारे नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो रही है और हमने सुना है कि जो शंकर की शरण जाता है, जो शिव की शरण जाता है, जो भगवान शंकर की कथा का रस तत्व ग्रहण करता है, जो भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करता है, तो मेरा देवदत्त महादेव उसकी झोली खुशियों से भरता जाए। युधिष्ठिर ने देवऋषि नारद से पूछा कि आपका आगमन क्यों हुआ है, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, कैसे आना हुआ, क्या कारण है तुम्हारे आने का, कोई कारण है, तुम्हारे आने का कारण क्या है।
कैसे आना हुआ? देवऋषि नारद जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा, सुनो युधिष्ठिर, मैं अभी भगवान नारायण से मिलने के लिए बैकुंठ गया था। युधिष्ठिर, मैं अभी भगवान विष्णु से मिलने के लिए बैकुंठ गया था और बैकुंठ में मैं मिलकर आया हूं भगवान नारायण से। उसी बैकुंठ में तुम्हारे पिताजी मिले थे। उसी बैकुंठ में तुम्हारे पिताजी का मिलना हुआ। और युधिष्ठिर, तुम्हारे पिताजी से जब मिलना हुआ तो तुम्हारे पिताजी से जब बात मैंने करी तो आपके पिता बड़े दुखी थे। आपके पिता का हृदय बड़ा दुख रहा था। आपके पिता बड़े दुखी थे। बड़े सावधानी से कथा सुनना, जितने भी शिव भक्त यहां बैठे हुए हैं भगवान शंकर की कथा सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनो। आसपास वाले कितना भी बोलते रहें, कोई कुछ कहता रहे, अपनी शांति से 5 दिन मिले हैं। हापुड़ को पूरे 7 दिन भी नहीं मिले और 5 दिन में गागर में सागर भरना है। आप लोगों को इतना बटोर कर ले जाना है कि शिव आप पर कृपा बनाते हैं। बहुत सावधानी से कथा सुनो। देवऋषि नारद ने कहा, हस्तिनापुर नरेश, युधिष्ठिर, आपके पिताजी बड़े दुखी हैं। आपके पिता को सुख नहीं है, बड़े दुखी हैं, बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट। पांडवों में से अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर सभी ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे पिता का दुखी होने का कारण क्या है? हमारे पिता का दुखी होने का कारण क्या है? क्यों दुखी है? किस लिए दुखी है? इनके दुखी होने का कारण क्या है? कहा, हमने आपके पिता युधिष्ठिर, आपके पिताजी से पूछा कि आपके दुख होने का कारण क्या है, क्यों दुखी है, किस लिए दुखी है? आपके दुखी होने का कारण क्या है? तो आपके पिताजी ने कहा कि मेरा दुखी होने का केवल एक कारण है कि जब मेरे प्राण थे, मैं पृथ्वी पर जब जीवित था, जब मेरा मनुष्य का देह था, जब मैं मृत्यु लोक में रह रहा था, जब मैं मानव की देह में रह रहा था, तब मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं पृथ्वी पर राजसु यज्ञ करूंगा। और राजसु यज्ञ होने के पहले, राजसु यज्ञ कर पाता, राजसु यज्ञ तक मैं पहुंच पाता, उससे पहले मेरे प्राण छूट गए। राजसु यज्ञ के पहले मेरे प्राण चले गए। राजसु यज्ञ के पहले मेरे प्राण चले गए, मेरे प्राण समाप्त हो गए। अब मुझे उसी चीज का दुख है कि मेरे राजसु यज्ञ के पहले मेरे प्राण चले गए, तो मैं चाहता हूं कि मैं जो नहीं कर पाया, मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरे पुत्र उस राजसु यज्ञ को करें। शंभु शंभु शंभु, उस यज्ञ को मेरे बच्चे उस राजसु यज्ञ को करें। ये मेरा एक मन में भाव उत्पन्न हुआ। अब देखिए जरा, पांडवों के पिता बैकुंठ में बैठकर अपने हृदय से दुखी हैं कि जो मैं जीवित रहकर नहीं कर पाया, मेरे बेटे वो राजसु यज्ञ मेरे मरने के बाद कम से कम करें तो।
जिस राजसु यज्ञ को मैं नहीं कर पाया हूँ, जिस राजसु यज्ञ को मैं कर नहीं पाया, जिस राजसु यज्ञ को मैं ना कर पाया और मेरे प्राण छूट गए, जिस राजसु यज्ञ को मैं करने वाला था और मेरे मन में आशा थी और मैं उसको कर नहीं पाया और मेरे प्राण चले गए, जिस राजसु यज्ञ को करने पहले मेरे प्राण चले गए, मेरे प्राण चले गए। अब वो मेरे पुत्र करे, अब वो मेरे बेटे करे, अब वो मेरी संतान करे, मेरे बेटे करे। आपसे भी निवेदन है, पृथ्वी पर मृत्यु लोक में संसार सागर में अगर आवाज नहीं जा रही है भाई, क्या राजसु यज्ञ अब मेरे पुत्र करें, मेरे संतान करें, मेरे बेटे करें। शंभु 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 श्रीमन नारायण श्रीमन देवादिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। जिंदा हो, जीवित हो, प्राण चल रहे हैं, जब तक शरीर के अंदर प्राण है, जब तक शरीर के अंदर प्राण चल रहे हैं, तब तक भगवान कि अविरल भक्ति को प्राप्त कर लीजिए। जब तक शरीर में प्राण चल रहे हैं, जब तक भगवान इस शरीर के अंदर प्राणों को चला रहा है, जब तक भगवान शंकर इस शरीर में प्राणों को दे रखा है, तब तक भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लीजिए। जब तक शरीर चले, तब तक भगवान शिव की भक्ति करो। जब तक शरीर चले, तब तक भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त। श्वास चल रही है, तब तक भगवान शिव की भक्ति करिए। श्वास चल रही है, जब तक भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करिए। भगवान शिव की कथा कह रही है,
भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही। जब तक शरीर है, शरीर में प्राण है, तब तक भगवान की अविरल भक्ति को धारण करें, शिव तत्व को अपने भीतर उतारने का प्रयास करें। युधिष्ठिर से देवऋषि नारद जी कह रहे हैं कि आपके पिता दुखी हैं। युधिष्ठिर से देवऋषि नारद कह रहे हैं कि आपके पिताजी को वैकुंठ में भी सुख का अनुभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका एक कारण है कि उन्होंने संकल्प लिया था कि राजसु यज्ञ करूंगा, और राजसु यज्ञ करने से पहले ही उनके प्राण चले। उन्होंने संकल्प लिया था कि राजसु यज्ञ करूंगा, राजसु यज्ञ करने से पहले ही उनके प्राण चले। अब उनको ये बात खलती है, उनको ये बात अंदर से खल रही होती है। इसलिए आप लोगों को कथा में हम बार बार कहते हैं, कथा के माध्यम से आप लोगों को बार बार वर्णन करते हैं कि शरीर है, प्राण है, और शरीर है प्राण है तब तक जितना बन सके अपने हाथों से सत्कर्म कर चलो, जितना बन सके अपनी जिभ्या से भगवान का नाम ले चलो, और जितना बन सके इन हाथों से मेरे देवाधिदेव महादेव की सेवा करते चलो, तो जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी। बोलबम का नारा है, जितना बने आप, आपसे जितना, जरूरी नहीं। अभी हमने महाराष्ट्र की कथा में वर्णन किया था, नांदगांव की कथा में वर्णन किया था कि ये जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटा भगवान के मंदिर में बैठे रहो। नांदगांव महाराष्ट्र की कथा में कहा था, ये जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटा तीर्थ में जाकर बैठे रहो। नांदगांव महाराष्ट्र की कथा में कहा था, ये जरूरी नहीं कि आप 24 घंटा किसी तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, किसी देवालय में जाकर बैठ जाओ, किसी शिवालय में जाकर बैठ जाओ, किसी मंदिर में जाकर बैठ जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थाश्रम। संत 1000 माला जपेगा, उसको जो पुण्य मिलेगा, घर में रहने वाला व्यक्ति एक बार मुख से राम और कृष्ण कह लेगा, उतना पुण्य उसको एक बार में मिल गया। जितना पुण्य एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, जितना पुण्य अपना घर छोड़कर तीर्थ में जाकर, वन में जाकर, पहाड़ पर जाकर, पर्वत पर बैठकर जितना पुण्य एकाग्रित करते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, उतना पुण्य घर में रहने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति, घर में रहने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति, घर में रहने वाला एक बच्चा, घर में रहने वाली एक बहू, घर में रहने वाला एक बेटा, घर में रहने वाली एक बेटी, घर में रहने वाला एक जमाई, घर में रहने वाला कोई काका काकी, कोई ताऊ ताई, घर में रहने वाला व्यक्ति एक बार अगर हृदय से भगवान शंकर को याद कर लेता है तो उतना ही पुण्य प्राप्त कर लेता है जितना पर्वत पर बैठकर कोई ऋषि प्राप्त कर रहा है। कोई ऋषि उस फल को एक क्षण में प्राप्त कर ले, एक क्षण। शिव कथा कह रही है, राजा युधिष्ठिर से कहा, तुम्हारे पिता ऊपर दुखी हैं, बैकुंठ में दुखी हैं, तुम्हारे पिता से मैं मिलकर आया हूं, उनके आंखों में जल था, दुखी हैं। फिर निवेदन है, मन का सुखी सुखी है और मन का दुखी दुखी। एक पति ने पत्नी को
नोएडा घुमाने के लिए लेकर गया पति पत्नी को। अब वो नोएडा घुमाने के लिए लेकर गया तो पत्नी नोएडा पहुंची, तो नोएडा में जाकर पत्नी ने देखा कि कितनी सुंदर सराफे की दुकान है, सोने चांदी की दुकान है, इतनी सुंदर दुकान है। तो पति ने कहा क्या चाहती है? पत्नी कहती है मुझे एक सोने का हार दिला दीजिए। एक सोने का हार, ठीक है चल। सुनार की दुकान पर ले गए, सुनार की दुकान पर ले जाकर पति ने पत्नी को एक सोने का हार दिला दिया। और पति ने पत्नी से कहा सुन यह हार बड़ा सुंदर है, तू अभी की अभी पहन ले। पत्नी बोली नहीं 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 अभी नहीं पहनूंगी, अभी मैं जरा करवा चौथ का व्रत आ रहा है ना उस दिन पहनूंगी। अब पति ने कहा करवा चौथ तो दूर की बात है, तू तो अभी पहन ले। पत्नी बोली नहीं नहीं नहीं, करवा चौथ का व्रत आ गया। पत्नी ने पति का चलनी में मुंह देखा, पति का मुंह देखा तो पति ने इसके गले में हार देखा, पर गले के अंदर हार नहीं था। पति ने फिर पत्नी से कहा आज करवा चतुर्थी है, करवा चौथ है, और तूने वह हार नहीं पहना। पत्नी बोली मैंने हार इसलिए नहीं पहना क्योंकि अभी देवर के लड़के की शादी है ना, बस एक महीने बाद देवर के लड़के की शादी है, तब मैं नया हार पहनूंगी ना तो पूरे घर के लोग देखेंगे, इसलिए मैंने नहीं पहना। अब देवर के लड़के की शादी थी एक महीने बाद और पत्नी को आ गया अटैक, निपट गए, प्राण तो चले गए, शव पड़ा था अर्थी पर उसको बांध रहे थे। पति रोते रोते अंदर गया, सोने का हार लेकर आया, पत्नी के गले में पहनाने लगा। दोस्त ने कहा तू अपनी पत्नी को इतना महंगा हार क्यों पहना रहा है, ये तो शमशान लेकर जा रहे हैं, वहां तो इसमें आग लगेगी, तू इतना महंगा हार इसको क्यों पहना रहा है। इतने में पति बोला मैं अपनी पत्नी से कह रहा था चतुर्थी पे पहन ले, मैं अपनी पत्नी से कह रहा था, मैंने दिलाया है आज ही पहन ले। पत्नी ने कहा आज नहीं पहनूंगी, चतुर्थी पर पहनूंगी, चतुर्थी पर नहीं पहना शादी में पहनूंगी। शादी के इंतजार में बैठी रही और उसके पहले उसके प्राण चले गए। इसलिए शास्त्र कहता है जो तुम्हें कल करना है वो तुम आज कर, अभी कर लो, फिर मौका मिले ना मिले। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो आ तो गए पहले दिन की कथा में, पर उनका मन था कि मैं तो कल रविवार है तो जाऊंगी, परसों सोमवार है तो जाऊंगी, मंगलवार है तो जाऊंगी, बुधवार है तो जाऊंगी, और उसके पहले निपट गई तो कौन देखा। अरे जाना किसने, कौन कौन जानेगा। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि मेरे देव अधिदेव महादेव को महाकाल कहा गया है। भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शंकर को काल अधिपति देव अधिदेव महादेव कहा गया है। भगवान शंकर को त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी कहा गया है। भगवान शंकर को काल अधिपति कहा गया है। शिव तत्व कहता है भगवान शंकर ने काल की रचना करी, भगवान शंकर ने समय की रचना करी, भगवान शंकर ने घड़ी पल की रचना करी, भगवान शंकर ने तिथि महीने की रचना करी, भगवान शंकर ने जब काल चक्र बनाया तो शंकर भगवान ने कहा इस काल चक्र को समझना जरूरी है। जो समय आज तुम्हारा चल रहा है, जो समय अभी तुम्हारा चल रहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है उसी समय पर अच्छा कर्म करते चलो। बात की कोई किसने देखा। आपके इधर का ही वो भजन है, यही हाकुड़ के आसपास का वो भजन है, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। अभी हमने महाराष्ट्र की कथा में कहा था हंस लो खिलखिलाकर, हंस लो खिलखिलाकर, नहीं तो दांत निकलेंगे हिल हिलाकर, ये सब निकल जाएंगे। अभी तो मौका है, अभी कुछ घटा बटा नहीं है, शरीर चले
हाथ पैर चलें तब तक मेरे शंकर के मंदिर जाते रहो, शरीर चले हाथ पैर चले तब तक तीर्थ जाते रहो, शरीर चले हाथ पैर चले तब तक शंकर की कथा में जाते रहो, शरीर चले हाथ पैर चले तब तक शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते रहो। जिस दिन शरीर नहीं चलेगा उस दिन मेरा शंकर तुम्हारे दरवाजे पर गंगा का जल लेकर खड़ा मिलेगा। जिस दिन शरीर नहीं चलेगा उस दिन मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शिव आपके दरवाजे पर मिलेगा। शरीर चले तब तक जाओ। पहले हमने कथा में कहा शरीर चले तब तक तीर्थ करो कथा सुनो। जब तक तुम्हारा शरीर चले तीर्थ करो कथा सुनो मंदिर जाओ, और जब तक तुम्हारी तुम्हारे घर में चले तब तक सारा दान पुण्य करो, जो करना है तुम्हारी मर्जी, क्योंकि अभी तुम्हारा चल रहा है। जिस दिन बहू बेटे की चलना चालू हो जाएगी उस दिन कथा में किसी को एक पानी का पाउच भी नहीं पिला पाओगे। इसलिए घर के लोग कहेंगे मम्मी इतना सारा पानी कौन लेकर जाएगा, सिर पे पानी की बोतल कौन उठा कर ले जाएगा। अरे बेटा कथा चल रही है, हमने सुना है कथा में अगर किसी को एक जरा सा पानी भी पिलाया जाए तो उसका पुण्य है। बेटा ये कथा में पानी की बोतल ले चल, मैं नहीं लेकर जाता, इतना वजन कौन लेकर जाएगा। आधा किलोमीटर दूर पार्किंग है, वहां से पानी की बोतल लेकर जाऊं, सिर पे तोक कर लेकर जाऊं, कोई लेकर नहीं जाएगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरी बहन, मेरी बेटियों, आपसे निवेदन है शरीर चल रहा है तो बन सके जितना इस 5 दिन की शिव पुराण में उतना पुण्य बटोरते चलना, भगवान का भजन बटोरते चलना। फिर मिले ना, फिर प्राप्त हो ना, किसने देखा, किसने जाना। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ धीमा बजाओ। बड़े भाव से दोनों हाथों से
की धुन के खाना जी आए, डमरू की धुन सुन के खाना जी आए, संग राधा को लाए काना जी। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, बजाओ बाबा धीमा बजाओ, धीमा बजाओ बाबा धीमा बजाओ, धीमा अरे धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से इस पवित्र नवरात्रि के अवसर पर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ, बड़ी दूर दूर से आप लोग आए हैं, बाबा से प्रार्थना करो जिससे बाबा आपके मन के मनोरथ पूर्ण करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करें। तैयारी हो गई पर यज्ञ कराएगा कौन राजसु? शिव महापुराण की कथा कहती है दक्ष प्रजापति का यज्ञ इसलिए खंडित हुआ था क्योंकि उसमें शंकर नहीं पहुंचे, शिव नहीं पहुंचे थे, इसलिए वो यज्ञ खंडित हो गया था।
हमारे बीच में पंडित सुनील जी, भराला जी, आयुष सराफा अध्यक्ष, राजमंत्री श्रम कल्याण परिषद, श्रम मंत्रालय उत्तर प्रदेश सदस्य के मंत्रिमंडल से पहुंचे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। शिव पुराण कह रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर, हस्तिनापुर में हस्तिनापुर के अंतर्गत यज्ञ की तैयारी हो, और हस्तिनापुर के अंतर्गत जब यज्ञ की तैयारी हुई तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि इस यज्ञ को कराए कौन। इस यज्ञ को कौन कराएगा? दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव नहीं पहुंचे तो दक्ष प्रजापति का शिव यज्ञ, दक्ष प्रजापति का यज्ञ खंडित हो गया, पूर्ण खंडित। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने नहीं जा रहे हैं तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके घर के सामने से अगर कोई मंदिर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहा है या जल चढ़ाकर आ रहा है, उसके मात्र मुख का भी दर्शन हो जाता है तो अश्व यज्ञ और राजसु यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। अश्व यज्ञ और राजसु यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। अब जरा विचार करिए, भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं इस यज्ञ को पूर्ण कौन कराएगा? बिना शंकर का अगर कोई भक्त नहीं मिला, शिव का कोई भक्त, कोई ऋषिवर, कोई गुरुवर, शिव भक्त मिल जाए तो वो यज्ञ पूर्ण करा। इस यज्ञ को पूर्ण कोई शंकर का भक्त ही करा सकता, शिव भक्त। एक पत्र है, मैं सुनीता निर्वाण, सोहन निर्वाण, पता सोंदा रोड, बेगमाबाद, मोदी नगर, जिला गाजियाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तु। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तु। आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। मेरा बेटा 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। एलईडी पर पत्र आप लोग पढ़ सकते हैं, एलईडी के माध्यम से और आस्था चैनल के माध्यम से आप लोग पत्र पढ़ सकते हैं। अनीता निर्वाण, सोहन निर्वाण, पता सोंदा रोड, बेगमाबाद, मोदी नगर, जिला गाजियाबाद। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन पेपर देने के बाद भी उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था।
उसने प्राइवेट नौकरी करने के लिए मन बना लिया और सबके बहुत ताने सुनने पर उसने प्राइवेट नौकरी करने का दिल बनाया। तभी मुझसे पूछते, मेरे बेटे से पूछते, इतनी तैयारी कर रहा था, कोई रिजल्ट नहीं आया इसका, इसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी, हम सब उदास हो जाते, मन दुखी हो जाता। मेरी बहन ने मुझसे कहा कि सावन के महीने में सीहोर वाला महाराज पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराता है, तू अपने बेटे से बोल कि घर में बैठकर ऑनलाइन शिव महापुराण के अंतर्गत पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर। हमने गुरुजी 2023 में बेटे से पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया, बेटे ने उसी दिन से शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करा और बाबा देवदीन महादेव की मैं कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, 5 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा था, उसी बीच में नवंबर के महीने में 2023 में कोसी कला मथुरा में आपकी कथा हुई, मैं मेरे बेटे को लेकर कथा में पहुंच गई। आप कहते हो कि कथा के पंडाल में अगर एक दिन की भी कथा सुनी जाए और बाबा से दिल से विनती करी जाए, जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है उसके पीछे नेत्र बंद कर बाबा से प्रार्थना करी जाती है, वो प्रार्थना बाबा स्वीकार करता है। मैंने भी कोसी कला में पहुंचकर अपने बेटे से कहा कि जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी बोले उसके बाद में आप नेत्र बंद कर बाबा से प्रार्थना करना, बाबा सुनेगा जरूर। मेरे बेटे और मैंने कोसी कला की कथा में बाबा से विनती करी और बाबा ने 3 महीने तो जाने दो गुरुदेव, 3 दिन भी पूरे हुए और बाबा ने मेरे बेटे की कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में मेरे बेटे का सिलेक्शन करवा दिया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे बेटे का ज्वाइनिंग हो गया, मैं बाबा को साधुवाद देने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व। एक पत्र और है, इसमें उनका नाम नहीं लिखा है शायद इस पत्र में, किसी माने लिखा है पत्र, जिसने लिखा है पत्र देखकर पहचान जावे तो खड़ी हो जावे, ये पत्र जिसने, जिसके 14 साल बाद संतान की प्राप्ति हुई है, आप ही का पत्र है। बाबू आया है क्या, साथ में बच्चा आया है, लिया उसको लिया। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, 14 साल हो गए थे, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं थी, मेरे पेट में रसोली हो गई थी गांठ, डॉक्टर ने कह दिया था इसका ऑपरेशन जरूरी है और ये रसोली कोई साधारण सी नहीं है। हमने डॉक्टर के कहे अनुसार गोलियां तो ली पर रसोली समाप्त नहीं हुई। बाबा के मंदिर में जाना चालू करा और प्रदोष काल में शंकर जी के मंदिर में दिया लगाना प्रारंभ करा। आप कहते हो कि प्रदोष काल में शाम के समय शिव के मंदिर में अगर दिया जलाया जाए, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा जाए तो बाबा देता जरूर है, और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे बाबा ने 14 साल बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई, मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए हूं। ये शिव तत्व है, शिव ओघड़ी है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार, आयो शरण तिहारी शंभु तार Thank you.
शिव तत्व की प्राप्ति, एक विश्वास। भगवान कृष्ण ने कह दिया कि इस यज्ञ को, राजसु यज्ञ जो तुम कर रहे हो, उसको पूरा कौन कराए, पूर्ण कौन कराए? इसको पूर्ण कराएगा तो कराए कौन? युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान द्वारकानाथ से पूछा कि आप बताइए कि इस राजसु यज्ञ को पूर्ण कौन करे? राजसु। भगवान द्वारकानाथ ने कहा कि शंकर भगवान के एक बड़े अविरल भक्त हैं, बहुत शिव के एक भक्त हैं, जिनका नाम पुरुष मृगा है। जिनका नाम पुरुष मृगा, एक बार आप भी बोलो उस नाम को। जितने बेटे बेटियां कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, जितने बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमने पहले भी कथा में कहा उन बच्चों के लिए कि भरपूर मेहनत करो। जितनी मेहनत तुमने आज करी है, इससे चार गुनी ज्यादा मेहनत तुम करो। जितनी पढ़ाई आज कर रहे हो, उससे ज्यादा पढ़ाई और करिए। भरपूर मेहनत करिए, परिश्रम करिए, पूर्ण कर्म करिए, रात दिन एक करो, विद्याध्ययन करो, खूब मेहनत करो। और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के बाद आप किसी एग्जाम में बैठने के लिए जा रहे हो, तो एक लोटा जल, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन, उस जल के पात्र के मुख पर, कलश जो होता है ना, जल का पात्र जो होता है, उसका जो मुख होता है ऊपर, उसके मुख पर लाल चंदन लगा लीजिए, और पुरुष मृगा ऋषि का नाम लेकर, पुरुष मृगा ऋषि का नाम लेकर, लाल चंदन लगे हुए स्थान से ही बाबा देवाधिदेव महादेव को अगर वो जल समर्पित करा जाए, तो ऐसा कोई बेटा बेटी नहीं जो कंपटीशन एग्जाम में निकले नहीं। महाभारत की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान द्वारकानाथ ने युधिष्ठिर से कह दिया कि इस राजसु यज्ञ को करने के लिए ऋषि पुरुष मृगा का होना जरूरी है। तो कहिए, ऋषि पुरुष मृगा मिलेंगे कहाँ? इनकी कोई झोपड़ी है, इनकी कोई कुटिया है, इनका कोई स्थान है, इनका कोई नगर है, इनकी कोई स्थान नियुक्त है जहां जाकर इनको निमंत्रण दिया जाए और इनको बुलाया जाए और किया जाए? तो कह दिया भगवान द्वारकानाथ ने, हम भी नहीं जानते कि शंकर के भक्त ऋषि पुरुष मृगा कहाँ रहते हैं, बस इतना मालूम है कि वो शिव के भक्त हैं। एक बार अगर ऋषि पुरुष मृगा का दर्शन ही हो जाए तो जीवन सिद्ध हो जाए, जीवन सिद्ध। भारत की भूमि के ये वो ऋषि थे जिनका मुख पुरुष की तरह था, जिनकी आधा धड़, छाती तक का शरीर, वक्षस्थल तक का शरीर पुरुष का था, और वक्षस्थल से नीचे का बाकी का शरीर मृग का था। हिरण का शरीर था आधा, आधा शरीर तो पुरुष का था और आधा शरीर हिरण का था, ऐसे ऋषि पुरुष मृगा थे, पुरुष मृगा। भगवान द्वारकानाथ ने कहा हम नहीं जानते कि ये पुरुष मृगा कहां मिलेंगे, परंतु एक बात है, इनको लेने के लिए भीम को भेज दिया जाए। भीम जा, भीम ने अपनी गदा उठाकर हां भरी, मैं ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए जाऊंगा, मैं ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए जाऊंगा। और आतुरता में भीम आगे बढ़ने लगे, इतने में द्वारकाधीश ने कहा रुक जा, ए भीम रुक जरा, जिस पुरुष मृगा को तू लेने के लिए जा रहा है, ये पुरुष मृगा कोई साधारण ऋषि नहीं है। अगर मान ले तूने थोड़ी सी भी गलती कर दी, तो ये पुरुष मृगा तुझे खा जाएगा। ये वो ऋषि है जो तुझे एक क्षण के अंदर निगल जाएगा,
तेरी थोड़ी सी गलती हुई ना तो ये पुरुष मृगा तुझे निगल जाएगा, थोड़ी सी गलती। इतने में भीम ने कहा द्वारकानाथ से, आप मुझे जानते नहीं हो द्वारकाधीश, क्या आप मुझे पहचानते नहीं हो? मेरे में केवल शरीर का बल नहीं, बुद्धि का बल भी मुझ में है। मुझ में केवल शरीर का बल नहीं, मुझ में बुद्धि का बल भी है। भगवान द्वारकानाथ ने कहा आगे तेरी मर्जी, पर याद रखना भीम, जरा सी चूक हुई, जरा सी गलती हुई तो ऋषि पुरुष मृगा तुझे निकल जाएंगे। भीम ने कहा चिंता मत करो, मैं लेने के लिए जाता हूं। भीम उठे, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम ढूंढने के लिए चल दिए पुरुष मृगा को। पुरुष मृगा को ढूंढते ढूंढते भीम थक कर एक जगह पर बैठे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक बानर एक बंदर बैठा हुआ है, एक बानर बैठा हुआ। भीम ने आवाज लगाकर कहा तुम कौन हो? बानर के रूप में श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं भीम तुम मुझे पहचाने नहीं, मैं भगवान राम जी के चरणों का दास हनुमान हूं, मैं भगवान राम जी के चरणों का दास हनुमान हूं, तुम मुझे पहचाने नहीं। भीम ने कहा हनुमान जी महाराज से, महाराज जी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। भीम तुम थोड़े बेचैन से दिख रहे हो, भीम तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी बेचैनी दिख रही है, तुम थोड़े बेचैन से नजर आ रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी बेचैनी दिख रही है, क्या बात है भीम? भीम ने कहा मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे बेचैनी क्या है, मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे कष्ट क्या है, मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे तकलीफ क्या है? भीम ने बताना नहीं चाहा। भीम बैठ गए, सुस्ता रहे थे, बहुत सुस्ताते सुस्ताते आखिरी में हनुमान जी महाराज ने भीम को दूर बैठे हुए कहा भीम मुझे मालूम है तुम कहां जा रहे हो। भीम ने पूछा बताओ कहां जा रहा हूं? हनुमान जी महाराज ने कहा तुम शिव जी के भक्त ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए जा रहे हो। भीम ने कहा आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं पुरुष मृगा को लेने के लिए जा रहा हूं? हनुमान जी बोले जो पुरुष मृगा शिव का भक्त है उसी तरह मैं भी शंकर भगवान का एक अंश हूं, इसलिए मैं हनुमान हूं, मैं हनुमान। मैं शिव जी का एक अंश हूं इसलिए मैं हनुमान। भीम ने हाथ जोड़कर कहा आप जानते हो मैं क्यों जा रहा हूं? मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? तब भीम ने कहा कि तो ये बताओ कि ऋषि पुरुष मृगा कहां मिलेंगे? भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने कहा तुम ढूंढते रहो ढूंढते रहो, एक न एक दिन तुम्हें पुरुष मृगा मिल जरूर जाएंगे। पर एक बात सुन ले भीम, तुझे पुरुष मृगा मिल जाएंगे ना तो वो तुझमें आपस में बात कर जब तू ले जाना चाहेगा तो कोई ना कोई शर्त ऋषि पुरुष मृगा तेरे सामने रख देंगे। जब वो शर्त रखेंगे ना भीम, तब सुन तुझे मेरी याद आएगी, इसलिए मैं तुझे आज अपने शरीर के तीन रोम तीन बाल शरीर के तोड़ कर दे रहा हूं। हनुमान जी महाराज बोले मैं अपने शरीर के तीन बाल तुझे दे रहा हूं, इन तीन बालों को तीन रोमों को तू अपने पास रखना। इतने में भीम ने कहा मैं तुम्हारे तीन बाल क्यों लेकर जाऊं, तुम्हारे शरीर के तीन रोम क्यों लेकर जाऊं, इन केश को क्यों लेकर जाऊं? तब हनुमान जी ने कहा सुन रे भीम, जब पुरुष मृगा मिलेंगे तुझसे शर्त रखेंगे, तेरे साथ हस्तिनापुर जाने की जब शर्त रखी जाएगी उस जगह पर तुझे मेरी याद आएगी। ऋषि पुरुष मृगा जब तुझसे शर्त रखेंगे, ऋषि पुरुष मृगा को रोकने के लिए मेरे शरीर का एक बाल जब तू जमीन पर पटकेगा उससे 1000 शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे, दूसरा रोम पटकेगा उससे 1,00,000 शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे, तीसरा रोम जब तू पटकेगा उससे 1,00,00,000 शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे। मेरे हनुमान जी महाराज ने कहा भीम, जब तू पुरुष मृगा से संकल्प लेगा कुछ शर्त रखेगा, मेरे शरीर के ये शिवलिंग प्रकट करेंगे। और सुन
भीम, पुरुष मृगा की एक आदत है, जितने शंकर के शिवलिंग मिलते हैं उतने शिवलिंग की वो स्नान करके पूजन करता है तब आगे बढ़ता है। अब तू सोच एक रोम से कितने शिवलिंग है, जम के बोलो जरा, 1,000। दूसरे रोम से 1,00,000। तीसरे रोम से 1,00,00,000। अब पुरुष मृगा एक एक शिवलिंग की पूजन करेगा तब जाकर कहीं आगे बढ़ेगा। उस जगह पर मेरे ये 3 रोम तेरे काम आएंगे। हनुमान जी ने अपने 3 रोम तोड़कर, 3 बाल तोड़कर भीम को दे दिए। भीम ने वो बाल संभाल कर रखे, पुरुष मृगा को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े तो ऋषि पुरुष मृगा मिल गए। पुरुष मृगा के हाथ जोड़कर निवेदन करा, जिस समय पर पुरुष मृगा शंकर की आराधना में लगे हुए थे, शिव की स्तुति में लगे हुए थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरुष मृगा लगे शंकर की आराधना में। भीम ने देख लिया, यही पुरुष मृगा है, बैठ गया सामने। बहुत अंतर है संस्कार और अहंकार, इन दोनों में बड़ा भारी अंतर होता है। संस्कार और अहंकार में बड़ा भारी अंतर होता है। संस्कारवान व्यक्ति स्वयं झुकता है और अहंकारवान व्यक्ति दूसरे को झुकाना जानता है। संस्कारवान व्यक्ति खुद झुकता है, अहंकारवान व्यक्ति दूसरे को झुकाना जानता है। अहंकारवान व्यक्ति बार बार अपनी अहमता अहंकार को प्रदर्शित करता है, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। और होता है, होता है, जिसको बहुत अहंकार होता है ना, और चिल्ला चिल्ला कर जो कहता है ना, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा समय आन दे, मैं तुझे बताऊंगा कि मैं क्या हूं, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा समय आन दे, मैं बताऊंगा तुम मैं क्या हूं। और जो ज्यादा अहंकार में फूला रहता है, एक दिन उसके शरीर में कोई रोग लग जाता है, अटैक आ गया, दिल्ली ले गए, डॉक्टरों ने कह दिया इसका समय आ गया,